गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, ऐसा शेयर जो ओरिजिनली प्रीमियम में इशू हुआ था और जाके कॉल पे फेल हो गया, इसलिए उस शेयर को फॉरफिट कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ दोज शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रियलाइज्ड। प्रीमियम का पैसा रियलाइज्ड हो गया है, ऐसे शेयर का फॉर फ्यूचर समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां देखिए, रिलायबल लिमिटेड इशू 10,000 शेयर 100 ईच, इशू करेगा 120 रुपया 120 पे, 100 का शेयर 120 में देगा, 20 रुपया एक्स्ट्रा, वही प्रीमियम हुआ। यहां पैसा देखिए 25 और 45 अप्लीकेशन 45 अलॉटमेंट 70 हो गया, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल 90 हो गया, 30 रुपीज फाइनल कॉल 120 हो गया, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। 900 इक्विटी शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई किया और उसको अलॉट किया, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। 10,000 इशू कर रहे थे, 9,000 के लिए एप्लीकेशन आया, दिस इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। यहां देखिए, ऑल द अमाउंट वेयर रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर हेल्ड बाय राम। राम नाम के कोई शेयर होल्डर हैं जो 200 शेयर रखते हैं, वो क्या नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, अब फाइनल कॉल नहीं दिए, इसका मतलब अप्लीकेशन अलॉटमेंट दिए हैं, अलॉटमेंट तक यहां तक पे कर दिए हैं, अलॉटमेंट दे दिए, इट मीन्स प्रीमियम का पैसा रियलाइज्ड हो गया, कॉल फेल कर दिए, फाइनल कॉल फेल कर दिए। लिखा है इनका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा, इनका शेयर फॉर फ्यूचर होगा। अच्छा, बनाना क्या है, आप देखिए यहां बोला है कैशबुक बनाइए, जर्नल एंट्री कीजिए। अगर हम लोग कैशबुक बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड एंट्री कैशबुक में आ जाएगा और जो नॉन बैंक एंट्रीज होता है वो जर्नल में चला आएगा। ऐसा कभी मत कर दीजिएगा कि कैशबुक में भी लिख दीजिएगा, जर्नल में भी लिख दीजिएगा, नहीं, ओनली बैंक रिलेटेड एंट्री कैशबुक में आ जाता है और नॉन बैंक एंट्री जर्नल में चला जाता है। कैशबुक भी अपने आप में एक जर्नल ही माना जाता है। और लास्ट में बोला है एक बैलेंस शीट बना दीजिएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने कैशबुक, पहला एंट्री होगा 9,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 25 करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 इंटू 25 225। नरेशन देते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो पहले हम लोग को 9,000 शेयर के अगेंस्ट में पैसा मिला, 10,000 इशू करते थे, 9,000 ही पब्लिक सब्सक्राइब किया, तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कैशबुक में आ गया। अब इनको शेयर देंगे तो वो एंट्री जर्नल में जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, बैंक से रिलेटेड था, कैशबुक में दे दिए, उसको ट्रांसफर किए कैपिटल में, उसको ले आए जर्नल में, दो एंट्री हुआ। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 45, जिसमें 20 रुपया प्रीमियम है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो उसका एंट्री जर्नल में आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 शेयर का 45 करके ड्यू करेंगे टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट 9000 का 25 रुपया करके कैपिटल होगा, अट्टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ये 9000 का 20 करके होगा, डेबिट हो जाएगा ये 405। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल जाना चाहिए। अलॉटमेंट का पैसा अगर मिलता है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा पैसा मिला है 405। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कॉल 20 रुपीज है, फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल ड्यू का एंट्री जर्नल में आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 9000 शेयर पे 20 रुपीज फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो ये होगा 1,80,000। नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल में 200 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, जो पैसा नहीं मिलेगा उसको कॉल सीन एरियर बोलते हैं, उसका एंट्री यही दिखा देते हैं, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 200 शेयर का 20 रुपीज करके 4000 नहीं मिलेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, तो 1,80,000 फर्स्ट कॉल ड्यू किए थे जिसमें 200 शेयर का 4000 नहीं मिलेगा, तो 1,76,000 मिलना चाहिए जो कैश बुक में लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,76,000 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ऐसे करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो गया। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल का दाम है 30 रुपीज, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 इंटू 30 2,70,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये जो 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला था इस पर फाइनल कॉल 200 शेयर इंटू 30 रुपया 6000 नहीं मिलेगा, तो 270 में अगर 6000 नहीं मिलता है तो 264 मिलेगा जो कैश बुक में आएगा, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 264,000 फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। और जो उसका एरियर था, एरियर का एंट्री अपने को जर्नल में करना होगा, कॉल सीन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वो 200 शेयर पे 30 रुपया करके एरियर होगा,
दैट इज 6000 होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। ये जो 200 शेयर था इसके ऊपर फर्स्ट कॉल का 20 रुपीज नहीं मिला, अब फाइनल कॉल का 30 रुपीज, दैट इज फाइनल कॉल में 6000 नहीं मिला और फर्स्ट कॉल में 4000 नहीं मिला, दैट इज 10000 नहीं मिला। इस 200 शेयर को हम लोग फॉरफिट कर जाएंगे, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री करना होगा, ओनरशिप कैंसिल कर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 200 शेयर 100 करके 20000। अच्छा, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में था, प्रीमियम ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, तो फॉर फ्यूचर में प्रीमियम का कोई रोल नहीं होगा। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर 10000 था दोनों मिला के, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो बैलेंस बच गया लिख देते हैं 10000। नरेशन होगा बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हो गया फॉर फ्यूचर का एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला था बैलेंस शीट दिखा दीजिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जब तक नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा, शेयर कैपिटल न बने तब तक वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर शेयर कैपिटल मैंडेटरी होता है, शेयर कैपिटल में पहला होता है ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था तो ऑथोराइज्ड को डैश दे देते हैं। दूसरा होता है इशूड, हम लोग 10000 शेयर इशू किए थे, 10000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इच, ये 10 लाख था। थर्ड वन होता है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में 9000 पब्लिक शेयर सब्सक्राइब किया था जिसमें 200 शेयर फॉरफिट हो चुका है, तो 8800 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड अप, 8,80,000। हम लोग का जब शेयर फॉर फ्यूचर किए हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कुछ बैलेंस आ गया है, वो देख लीजिए ऊपर 10000 दिखाई देगा शेयर फॉर फ्यूचर, ये 10000 रुपया शेयर कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर 10000। ये हो गया 890, ये बैलेंस शीट में एज शेयर कैपिटल लिख देंगे। बैलेंस शीट में आते हैं, हेडिंग होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में रोमन वन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का वर्किंग आया है 8,90,000 और रोमन टू रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20 रुपया करके 9000 शेयर का 1,80,000 था। अब इसको यहीं पे प्लस कर देते हैं 1070 एसेट्स, एसेट्स में ए नंबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कुछ आने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। हम लोग कैशबुक बनाए थे, कैशबुक का ये देखिए
रेडी था कैशबुक, एंट्री हुआ था, कैशबुक का बैलेंस ही तो कैश एंड बैंक है, तो कैशबुक का बैलेंस करते हैं, कैशबुक का डेबिट साइड प्लस कर दीजिए 10,70,000। बाई बैलेंस सीडी 1070, यही कैशबुक दैट इज बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 10,70,000। और देखिए ये टोटल मैच भी कर गया। तो ऐसे करके कैशबुक बना देने से बैंक का बैलेंस इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।